छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा और अन्य विपक्षी दलों ने शून्यकाल में कर्मचारियों की मांग और हड़ताल का मामला उठाया है। मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सत्ताधारी दल कांग्रेस पर सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान करने में विफल रहने और चुनाव से पहले उनसे किए गए वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि 1,09,000 सहायक शिक्षक हड़ताल पर हैं, उन्हें धरने में शामिल होने से रोका जा रहा है, आखिर सभी कर्मचारी हड़ताल क्यों कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है, हम रैंकिंग में 30वें स्थान पर पहुंच गए हैं। मंत्री ने कहा कि आपके मांगे बिल्कुल सही हैं। उसके बाद में मुख्यमंत्री से मिला, मुख्यमंत्री ने कमेटी बनाई, 90 दिन के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, 10 महीना हो गया है प्रतिवेदन नहीं आया है। इस बात को लेकर के आज पूरे सड़कों पर हमारे जो सहायक शिक्षक हैं यहाँ निकले हुए हैं, उनके साथ में पुलिस के द्वारा ज्यादती की जा रही है।